नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और जमीन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल का उत्पादन करता है। सरकार उस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करती है, लेकिन जब वो अपनी फसल को मंडियों में लेकर पहुंचता है तो उसे कई तरह की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। इन अव्यवस्थाओं का मुख्य कारण होता है व्यापारियों द्वारा अपने खरीदे हुए अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने की चेष्टा करना, और दूसरा हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को देखते हुए पड़ोसी राज्यों के किसान और व्यापारी अपना अनाज लेकर के हरियाणा की मंडियों में पहुंचाते हैं, जिसके कारण एक तो इसमें अव्यवस्था पैदा हो जाती है और दूसरा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसका फायदा व्यापारी उठाते हैं। तो इस सारी अव्यवस्था को चेकआउट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक एक पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर किसान भाइयों को अपनी खरीफ की फसल का ब्यौरा 15 सितंबर 2018 तक दर्ज करवाना है। इस पोर्टल पर जो किसान भाई अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवा देंगे, सरकार केवल उन्हीं की फसल को और उस ब्यौरे के अनुसार ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इसलिए किसान भाई इसे अति आवश्यक समझें और पोर्टल के बंद होने से पहले अपनी खरीफ की बोई हुई फसल का ब्यौरा इस पोर्टल पर दर्ज करवा दें। ये करवाना बहुत आसान है। गाँवों में जो VLE हैं उनको इसके लिए ट्रेन किया गया है। किसान भाई VLE मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास जाएं और वहां से अपनी फसल का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जागरूक किसान भाई जिनको इंटरनेट का ज्ञान है या जिनके बच्चों को इंटरनेट का ज्ञान है, वो edisha.gov.in वेबसाइट पर ये पोर्टल चालू है। वहां पर स्वयं भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हुए अपनी खरीफ की फसल का ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पोर्टल 15 सितंबर तक ही चालू रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। उसके उपरांत ये ब्यौरा आप दर्ज नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाएगी। इसलिए किसान भाई इसे अति आवश्यक समझते हुए अपना ब्यौरा जल्द से जल्द दर्ज करवा दें। पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, उस लिंक को क्लिक करके भी आप पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा भी किसान भाइयों से अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवाने हेतु अपील की गई है। वो अपील मैं आपको सुनवा देता हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश धनखड़ आपका कृषि मंत्री बात कर रहा हूं। हमने आपके लिए एक नई योजना शुरू की है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सब किसान भाई जो भी फसल उगा रहे हैं वो इसमें अपनी फसल दर्ज कराएं, जिससे आपकी फसल की बिक्री आसानी से हो सके और हमको खरीद की व्यवस्था करने में आसानी हो। चाहे कोई भाई बड़ा किसान है, चाहे छोटा किसान है, चाहे सीमांत किसान है, चाहे कोई भाई खुद काश्तकार है, चाहे भूमिहीन किसान है, दूसरे की किराए पर लेकर या ठेके पर लेकर खेती कर रहा है, सभी से मैं अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसमें अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज कराएं, जिससे आपको फसल की बिक्री करने में आसानी होगी और हरियाणा सरकार को आपकी फसल की खरीद करने में आसानी होगी। 15 सितंबर तक सभी भाइयों को अपना ब्यौरा दर्ज कराना है। आप किसी भी मोबाइल फोन से इसको दर्ज करा सकते हैं, अपने यहाँ जो अटल सेवा केंद्र ग्राम सचिवालय में चलता है उस पर दर्ज करा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर अपनी जानकारी दे सकते हैं। आप सभी जानकारी दें, आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूँ। आपका भाई ओम प्रकाश धनखड़। ये थी माननीय मंत्री जी की अपील। दोस्तों, सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है, लेकिन गत दिनों रवि की फसल की खरीद के समय गांववार मंडी में फसल खरीदने की व्यवस्था की गई थी, उसके उपरांत भी किसानों को इतनी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। पहले तो फर्द निकलवाने के लिए तहसील के पटवारियों के चक्कर लगाने पड़े थे, उसके बाद जब किसान मंडी में अपना अनाज लेकर के पहुंचता था तो उसकी तुलाई तीन दिन तक नहीं हो पा रही थी। 1500 रुपए दिन के हिसाब से जो साधन किसान लेके गया था उसका किराया देना पड़ रहा था। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आगे से ऐसी डिजिटल व्यवस्था किसानों के लिए लागू करें
जिसमें किसान को उसकी खरीद का जो समय है, उपज की खरीद का समय, वो पहले से SMS के द्वारा एक दिन पहले बता दिया जाए, ताकि किसान उसी समय या उसी दिन जब उसकी खरीद होनी है तब वो मंडी में लेकर के पहुंचे और उसे किसी तरह की अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।